के बहुत सारे लोग हमसे टॉकिंग किए थे, बोल रहे थे कि सर गारमेंट्स कंपनी में रिक्वायरमेंट कब आएगा, इवन कि हम वेट कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का डिमांडिंग था और दिस इज अ डिमांडेबल वीडियो, हमारे पास में एज ए वेल रिक्वायरमेंट आ चुके हैं। देखो यहाँ पर जैसे आप, मैं साइड में करूँगा, यहाँ पर देखो गारमेंट्स कंपनी आपको दिख रहा है। बेसिकली इसी के बारे में हम आपके साथ में एक्सप्लेनेशंस भी करने वाले हैं। राइट नाउ बहुत सारे लोग टॉकिंग किए कि सर आप बताइए, हमारे साथ में एक्सप्लेन कीजिए, हमें बताइए, तो हम आपके साथ में शेयरिंग कर रहे हैं। बिकॉज आपको भी पता होना चाहिए कि इस चैनल पे जितने भी रिक्वायरमेंट पोस्ट होते हैं सबके सब ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से होता है, जो कि कोलकाता का ट्रस्टेबल एजेंसी है, 100% जेन्युइन काम होता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंटेड है कि इनका रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं होता, मतलब कि ये पैसा नहीं लेते जॉब के लिए, पेड जॉब्स नहीं होता। बेसिकली इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस का सिस्टम खत्म कर दिया है। एज ए वेल ये जो कंपनी है गारमेंट्स कंपनी है, जिसमें आपको बता दूं ड्यूटी 12 आवर्स की शिफ्टिंग है। और आपको भी पता है कि ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर 12 आवर्स की ड्यूटी देखने को मिलते हैं, एंड 4 दिन महीने में आपको छुट्टी मिल जाते हैं। बेसिकली संडे को ऑफ होता है ज़्यादातर, यही देखने को मिलता है। तो 12 आवर्स की ड्यूटी एंड 26 डेज वर्किंग इन अ मंथ है गारमेंट्स कंपनी है। पोस्ट हेल्पर का से रिक्वायरमेंट को हम ज़्यादातर वरीयता देते हैं, जो कि हेल्पर पोस्ट पे होता है। एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम्स क्या होता है, देखो ऑफिशियली जॉब्स का हम रिक्वायरमेंट भी डालते हैं, बिकॉज उसमें इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है। एनीवे यहाँ पर हेल्पर पोस्ट में वैसा चीज़ देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर विजिट करो ज्वाइन करो ये प्रोसेस होता है। तो दिस इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटीज़, हम इसे मानते हैं, इसलिए हम इसे प्रिफेयर्ड करते हैं। एनीवे यहाँ पर हम बात करने वाले गारमेंट्स कंपनी पोस्ट हेल्पर का है, इसमें 12 आवर्स की ड्यूटी है, 26 डेज वर्किंग है, लोकेशन धूलागढ़ कोलकाता लोकेशंस में है, एंड क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लीकेबल, 8 पास 10th पास 12th पास एनी पास, बट कैंडिडेट ओनली लेबोरियस पर्सन नीडेड इन दिस कंपनी। एंड यहां पर एज लिमिटेशन भी बता दिया, 18 to 37 ईयर्स होना चाहिए। सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जिस दिन विजिट करोगे उसी दिन आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर भी आपका कंप्लीटेड होगा एटलीस्ट। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज के बारे में। तो देखो फैसिलिटीज में रूम फ्री प्रोवाइडेड बाय कंपनी, एंड फूडिंग का इसमें हमारे साथ में शेयरिंग ही नहीं किया गया, तो हम आपके साथ में कैसे शेयर कर सकते हैं। एनीवे कि हमारे पास में शेयर किया जाता तो हम आपके साथ में जरूर से शेयर करते हैं, अगर हमारे पास में शेयर नहीं किया गया तो हम आपके साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। और रूम फ्री है तो रूम का डिपॉजिट अमाउंट 600 रुपीज एटलीस्ट लगेगा वन टाइमिंग, बिकॉज ये रिफंडेबल अमाउंट है, दिस इज ए नॉट चार्जिंग एंड दिस इज ए नॉट फीस अगेन, कि ये 6 मंथ आफ्टर रिफंड हो जाएगा। तो ये चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचने हैं नहीं, बिकॉज ये रिफंडेबल अमाउंट है, जो कि आपका डिपॉजिट अमाउंट है जो लगता है, ये वन टाइम डिपॉजिट अमाउंट है, वो भी रिफंडेबल है, टोटली फ्री जॉब से, नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो हिडन चार्जेस। बट जो मैंने बोला 600 रुपीज जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको पेड करने पड़ेंगे। एनीवे की सैलरी अब लोग डिस्कस करेंगे कि सैलरी बता दीजिए, आप सैलरी बता दीजिए, देन कि रूम आपको फ्री में मिलता है, ये डिपॉजिट अमाउंट का कोई मानी मतलब नहीं होता। ओके तो जो सैलरी है 10,000 रुपीज, दिस इज ए नॉट फिक्सेबल अमाउंट, दिस इज ए इंक्रीजेबल सैलरी, एंड आफ्टर देन 6 to 9 मंथ योर सैलरी विल बी इंक्रीज। तो चीज़ें हमने जो भी वैकेंसीज था मैंने आपके साथ में एक्सप्लेनेशन किया। राइट नाउ आगे का प्रोसेस आप समझेंगे, आप कहेंगे और आप बताएंगे। ओके क्योंकि हमने एटलीस्ट कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है। और मिलते हैं कोई नई इन्फॉर्मेशन और नई वैकेंसीज के साथ में, तब तक के लिए बाय।